मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने इंदौर बीजेपी के सांसद शंकर लालवानी पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सरकार ताजे फलों को नष्ट कर रही है और कोल्ड स्टोरेज में रखे पुराने सड़े गले फल बिना सैनिटाइज की जनता तक पहुंचाए जाने का कार्य जनता तक किया जाएगा। यादव ने सबूत इकट्ठे कर सांसद की फलों की टोकरी का पर्दाफाश करते हुए कहा कि शिवराज सरकार किस तरह इंदौर की जनता की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है उसका साक्षात उदाहरण है। यादव जी ने कहा कि कोल्ड स्टोरेज में रखे पुराने फल बिना सैनिटाइज के थैली में भरे जा रहे हैं, क्या होगा इंदौर की जनता का तो ये तो भगवान या सांसद ही जाने। एक तरफ ताजे फल नष्ट किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पुराने फल जनता को भी दिए जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। कांग्रेस प्रदेश सचिव ने कहा कि ये सारा खेल बाईपास पर स्थित इकियाना स्कूल में बेखौफ जारी है और उन्होंने कहा कि इस समस्त मामले की जानकारी मुख्यमंत्री और राज्यपाल को दे दी गई है। आज कांग्रेस ने आरोप लगाया जो फ्रूट की बास्केट दी जा रही है 250 रुपये में, वो बास्केट कांग्रेस ने कहा कि वो 130 रुपये गरीब का मूल्य होता है उसका उनके हिसाब से, और भाजपा और आप पर आरोप लगाया कि आपने अपने समर्थकों को ये उपकृत किया है। देखिए, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं अशोक धवन और धवन परिवार, और वो खुद इस फ्रूट के मामले में वर्षों से काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस को उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फ्रूट के मामले में अनुभवी हैं कि जो दे रहे हैं सही है कि गलत है। प्रशासन ने और उन्होंने आपस में बैठ के तय किया है, एक तो ये, इसमें हमारा कोई भी जो जनप्रतिनिधि उनका कोई रोल नहीं है। दूसरा, हमारा कोई ऐसा शुभचिंतक नहीं है, इंदौर पूरा हमारा है, जो सब फ्रूट वाले हैं चाहे अशोक धवन भी हो वो भी हमारा है, तो इंदौर के लोग हैं। ये तो अशोक धवन से पूछना चाहिए, उनको धवन परिवार से, कि कौन सही है कौन गलत है, सही रेट है कि नहीं है।